एवरीवन, दिस इज किरण, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लेटेस्ट अपकमिंग फोन रेडमी एस टू के बारे में, जो कि 10,000 के नीचे एक बेस्ट स्मार्टफोन बन सकता है, जो आ रहा है डुअल रियर कैमरा के साथ। वैसे तो 10,000 की रेंज में काफी सारे स्मार्टफोन है जो कि रेडमी एस टू से बेटर है, बट किसी भी स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा नहीं है। तो इसी का फायदा उठाते हुए Xiaomi लेके आ रहा है 10,000 की रेंज में एक डुअल रियर कैमरा वाला स्मार्टफोन। कुछ लोग ऐसे है जिनको डुअल रियर कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए बट उनका बजट कम होता है और रेडमी नोट 5 प्रो जो कि 14,000 में आता है उसको खरीद नहीं पाते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए Xiaomi लॉन्च कर रहा है Redmi S2, जो आ रहा है सिर्फ 8,000 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, Redmi S2 का बेस वेरिएंट आप लोगों को 8,000 रुपए में मिल जाएगा एंड इसमें आपको डिस्प्ले 1440x720 पिक्सल्स का मिलेगा, यानी कि HD+ डिस्प्ले, जिसमें आपको 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा। वैसे इसका डिस्प्ले का साइज अभी तो कोई फिक्स नहीं है, बट फिर भी आपको 5.5 इंचेस से लेके 6 इंचेस तक के बीच में इसका डिस्प्ले मिल जाएगा। अक्सर दूसरी कंपनी क्या करती है, अगर बजट रेंज में कोई स्मार्टफोन निकालती है तो उसमें कोई पर्टिकुलर एक चीज अच्छा दे देती है, जैसे कि अगर कैमरा अच्छा दे दिया या फिर बैटरी अच्छा दे दिया तो उसमें प्रोसेसर गंदा वाला दे देते हैं, जैसे कि कोई मीडियाटेक का प्रोसेसर दे दिया, यानी कि कहीं ना कहीं हमें ही उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट Redmi S2 में बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसमें आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले एंड डुअल रियर कैमरा के साथ एक बैलेंस प्रोसेसर मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 625। आई नो प्रोसेसर थोड़ा पुराना है बट इस प्राइस रेंज को देखते हुए ये प्रोसेसर बिल्कुल फिट है, क्योंकि ये प्रोसेसर काफी सारे अच्छे स्मार्टफोन में भी यूज हुआ है, तो आई गेस ये प्रोसेसर इस प्राइस रेंज को देखते हुए काफी सही बैठता है। वैसे ये स्मार्टफोन आपको दो अलग अलग वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा, जिसमें से पहला वेरिएंट है 2GB रैम एंड 16GB इंटरनल मेमोरी स्टोरेज एंड दूसरा वेरिएंट है 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल मेमोरी स्टोरेज। और वैसे इसमें एक डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी दिया हुआ है, अगर आपको फ्यूचर में ज्यादा मेमोरी का जरूरत पड़ता है तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसके सबसे हाइलाइटिंग फीचर के बारे में बात करते हैं, जो है इसका कैमरा। इसमें आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें से एक है 12 MP का और दूसरा है 5 MP का, और इसमें आपको फ्रंट कैमरा भी 5 MP का देखने को मिल जाएगा। एंड इंटरेस्टिंगली इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड और EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलेगा। वैसे अगर आप लोगों को पता नहीं है कि EIS क्या होता है, तो कैमरे के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसे मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगी, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आजकल फेस अनलॉक का ट्रेंड चला हुआ है, तो वैसे ही आपको Redmi S2 में भी फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाएगा, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड है। बट आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 8.1 ओरियो देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। तो अब अगर इसकी बैटरी के बारे में बात करें, तो इसमें आपको 3080mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि दिखने में थोड़ा कम है, बट स्नैपड्रैगन 625 एंड HD+ डिस्प्ले होगा, तो बैटरी इतना जल्दी ड्रेन नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो इन शॉर्ट, जितना भी बैटरी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है वो सफिशियंट है इस स्मार्टफोन को चलाने के लिए। वैसे Redmi S2 का प्राइस जो मैंने आप लोगों को बताया 8,000 रुपीज, वो मुझे किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से नहीं मिला, ये जस्ट मेरा एक प्रिडिक्शन है कि ये स्मार्टफोन 8,000 रुपए तक लॉन्च हो सकता है, बिकॉज 10,000 रुपीज में 10G मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है, जिसमें आपको डुअल रियर कैमरा 13+13 MP का देखने को मिलता है एंड फ्रंट कैमरा 16 MP का है। एंड इसका बैटरी एंड प्रोसेसर भी काफी ज्यादा बेटर है Redmi S2 से, और इसमें आपको 4GB रैम एंड 64GB मेमोरी स्टोरेज वाला वेरियंट सिर्फ 10,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। बस इस स्मार्टफोन में एक छोटा सा कमी है कि इसमें आपको 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को नहीं मिलता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ये तो पक्का है कि Redmi S2 9 या 10,000 रुपीज में तो लॉन्च नहीं होगा, होगा तो या तो 8,000 रुपीज में या फिर इससे कम 7,000 रुपीज में भी लॉन्च हो सकता है। खैर, ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि ये स्मार्टफोन एक्चुअल में कितनी प्राइस में लॉन्च होता है। वैसे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये स्मार्टफोन कब लॉन्च हो रहा है, बट जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर जो इस चैनल को देखते हुए भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं और मैं चाहती हूँ ये रीच हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए 10,000 सब्सक्राइबर्स पर। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन।